हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। मैं आर कुमार। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने चल रहे हैं, क्योंकि हाल ही में आप सभी ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अन्य संसाधनों से सुना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली शिक्षक भर्ती पर अंतिम फैसला दिया है, जिससे कि परिणाम आने की संभावनाएं 100% बढ़ गई हैं। और हम कह सकते हैं कि आगामी में जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है, उसका भी रास्ता क्लियर हो चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रीवियस अराउंड रवि सर के माध्यम से आपने टॉप रैंकर सुपर टेट के बैच के बारे में सारी रूपरेखा, सारी जानकारियां देखी। मैं आर कुमार आज आपको जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो सुपर टेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथियों, सुपर टेट की परीक्षा में सामान्य विज्ञान से कुल लगभग 10 प्रश्न बनते हैं, और हमारे लिए किसी भी परीक्षा के अंतिम चुनाव के लिए, किसी भी परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए एक दो प्रश्न की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो ऐसे में हमें 10 प्रश्न पढ़ने हैं। आज मैं आप सभी से सामान्य विज्ञान के एक ऐसे विषय की बात करूंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। तो टॉपिक की शुरुआत करने से पहले, यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टॉप रैंकर बैच में अगर आपको शामिल होना है, अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं, एनरोलमेंट लेने के इच्छुक हैं दोस्तों, तो आप लोग दिए गए इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, बैच से जुड़ने के लिए एंट्री सुपर टेट यानी एंट्री एस्टेट लिख करके दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करना है। अगर आप व्हाट्सअप नहीं करते हैं तो आपको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए आपको इन दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, और कोई भी कॉल करके आप जो है एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास को हम शुरू करते हैं आज के इस विशेष लेक्चर। दोस्तों, आज के इस विशेष लेक्चर में मैं आप सबको बताऊंगा मानव रक्त क्या होता है, यानी हम लोग पढ़ेंगे आज ब्लड के बारे में। आप सबको पता है कि कोई भी जीवधारी होता है, हर जीवधारियों में रक्त की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और सभी जीवों के लिए रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम यह कह सकते हैं रक्त के बारे में कि यह हमारे लिए अत्यंत और अमूल्य द्रव है। और आज हम विशेषकर बात करेंगे मानव रक्त के बारे में, लेकिन दोस्तों बता दूं आप सभी को मैं, आज हम बात करेंगे मानव रक्त के विषय में। तो आइए शुरुआत करते हैं मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड। तो अगर ह्यूमन ब्लड की बात की जाए तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रक्त किसे कहते हैं, ब्लड किसे कहते हैं। अगर हम लोग ये बात करें कि ब्लड हम किसे कहते हैं, रुधिर किसे कहते हैं, तो सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि ब्लड क्या है, एक गाढ़ा द्रव होता है ना, या कहते हैं कि द्रव है, लेकिन ब्लड एक्चुअली में है क्या, इसकी बात करते हैं। दोस्तों, हमें पता है कि जो हमारा शरीर है ये असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। हमारे शरीर की रचना कैसे हुई है, छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से हुई है। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो आकार में समान होती हैं और वो समान कार्य भी करती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो आकार में समान हैं और जो एक ही कार्य करती हैं, वह कोशिकाएं मिलकर के अपना एक समूह बनाती हैं, और इन समूह को कोशिकाओं का समूह या ऊतक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप एग्जाम देने गए हैं, एग्जाम देने आप लखनऊ पहुंचते हैं, तो आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो आपके आपके जिले का कौन है, कौन सा मेरठ से आया है, कौन सा कानपुर से आया है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपके जिले का है। तो जब जिले के लोग इकट्ठा होते हैं तो अपना ग्रुप बना करके पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ऐसी कोशिकाएं जो आकार में समान होती हैं और समान कार्य करती हैं, वे कोशिकाएं मिलकर के अपना एक समूह बनाती हैं, और इसी समूह को कोशिकाओं का समूह या ऊतक कहते हैं। तो हमारे शरीर में देखिए, हमारे शरीर में कितने ऊतक होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों ऊतक यानी कि टिश्यू, हमारे शरीर में कुल चार प्रकार के टिश्यू होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में पहला क्या होता है, उपकला ऊतक, एपिथीलियम टिश्यू होता है, उपकला ऊतक, और पेशीय ऊतक, मैस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक,
संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो हमारे शरीर में कुल चार प्रकार के ऊतक हैं, चार प्रकार के टिश्यू हैं, इन्हीं ऊतकों से मिलकर के शरीर की रचना हुई है। तो रुधिर भी हमारा इन्हीं में से कोई एक ऊतक है, कोई एक टिश्यू है। ठीक है, देखिए जो उपकला ऊतक होता है इसके द्वारा हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण होता है। पेशी ऊतक से हमारी जो स्किन है, जो हमारी मसल्स है, हमारी हड्डियां बनी है। संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जोड़ने वाला। और तंत्रिका ऊतक क्या है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसी ऊतक से बना है। तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज यहां समझ में आ चुकी होगी कि जो हमारा रक्त है वो क्या है दोस्तों, ये है कनेक्टिव टिश्यू, यानी हमारा जो ब्लड है वो संयोजी ऊतक है, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता रक्त क्या है, तो आप क्या है यही कहेंगे कि रक्त, आप क्या कहेंगे दोस्तों, आप कहेंगे रक्त तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी जीवित ऊतक है। तो हमारा ब्लड क्या है, तरल संयोजी और जीवित ऊतक है। ठीक है, बहुत सारी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर रक्त तरल संयोजी जीवित ऊतक है तो रक्त की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में। अगर क्वेश्चन बनता कि हमारे शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि मात्रा, अगर मात्रा की बात करें तो देखिए मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर। तो यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ाता है कि अगर मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड है तो फीमेल के अंदर कितनी मात्रा होती है रुधिर की। तो दोस्तों अगर हम फीमेल की बात करें कि फीमेल में रुधिर की मात्रा कितनी है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं पुरुष से 0.5 लीटर कम होता है, 0.5 लीटर कम, यानी महिलाओं में पुरुष की अपेक्षा 0.5 लीटर रक्त कम होता है। इसलिए एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि तुम्हारा खून पी जाऊंगी, है ना। देखिए तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि महिलाओं में क्या होता है, पुरुष की अपेक्षा 0.5 लीटर रक्त कम होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यह नमकीन द्रव है, तो रक्त की पीएच वैल्यू के बारे में क्वेश्चन बनता है कि हमारे ब्लड का पीएच मान एक्चुअली कितना होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्लड के पीएच मान की, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये एक्चुअली 7.4 होता है। और बता दें आप सभी को कि 7.36 से लेकर के 7.41 तक हमारे ब्लड का पीएच मान हो सकता है, 7.36 से 7.41 तक। ठीक है ना, और ये कैसा होता है, हम कह सकते हैं कि ये हल्का क्षारीय है। कैसा होता है, ये हल्का क्षारीय होता है। ये हम ब्लड के बारे में अपने कह सकते हैं, जो हमारा ब्लड है ये कैसा है, ये हल्का क्षारीय होता है। क्लियर। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि आखिर रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये बने कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ ब्लड हम किसे कहते हैं, देखिए बिल्कुल पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग, रक्त का अध्ययन किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि हिमेटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ ब्लड। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पूरे बॉडी वेट का, होल बॉडी वेट का कितना प्रतिशत हमारा ब्लड है, तो आप बस यही कहेंगे कि 7-8%, 7-8%, 1/15 भाग। तो 7-8% हमारे बॉडी में क्या होता है दोस्तों, पूरे बॉडी वेट का ब्लड होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, रक्त हमारा क्या है, ब्लड क्या है, तो एक तरल संयोजी जीवित ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर। और अगर पूछता है कि एक मेल के अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है, तो आप कहेंगे हमेशा 5-6 लीटर। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि फीमेल में कितना होता है, तो देखिए मेल की अकॉर्डिंग यानी मेल की अपेक्षा फीमेल में थोड़ा सा कम होता है, और कितना कम होता है, 0.5 लीटर। यहां पर क्वेश्चन बनता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड कितनी है, तो 7.4। और ये जो हमारा ब्लड है ये हल्का सा क्षारीय होता है,
और इसका पीएच मान 7.36 से लेकर के 7.41 तक हो सकता है, ठीक है ना। और अगर प्रश्न बनता है कि रक्त का अध्ययन किसे कहते हैं, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हिमेटोलॉजी। अब देखिए दोस्तों, बेसिक पॉइंट्स क्या है, बेसिक पॉइंट्स ये है कि रक्त का निर्माण कहां होता है। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर आप सभी से रक्त के निर्माण की, क्लियर, कि हमारे ब्लड का निर्माण कहां होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, निर्माण की बात करेंगे, क्लियर। तो जब हम ब्लड के निर्माण की बात करते हैं तो आइए कुछ समझने की कोशिश हम लोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। देखिए, हम जानते हैं ये हमारी बोन है, कोई ये हमारी कोई हड्डी है, और हमें पता है कि हड्डियों के बीच में क्या होता है, अस्थि मज्जा होती, बोन मैरो होती है। और अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, हम कह सकते हैं कि जो अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों में होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पीली अस्थि मज्जा और एक होती है लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा दो प्रकार की, एक पीली अस्थि मज्जा और एक लाल अस्थि मज्जा, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। आपको यह भी पता होगा कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाला भाग क्या होता है दोस्तों, आपने इसको पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है कौन, लिगामेंट। आप यह भी कह सकते हो कि हड्डियों को पेशियों से जोड़ने वाला भाग क्या होता है, तो हम बोलते हैं टेंडन होता है, ठीक है ना। तो यहां देखिए अस्थि मज्जा होती है, ये क्या है, ये अस्थि मज्जा है, ठीक है ना, बोन मैरो है, अस्थि मज्जा है, और अस्थि मज्जा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। जो हमारे हड्डियों के बीच में अस्थि मज्जा है वो दो प्रकार की होती है। देखिए पहली क्या है दोस्तों, पहली है आरबीएम, यानी जिसको कहते हैं रेड बोन मैरो, पहली क्या होती है, पहली होती है आरबीएम यानी कि रेड बोन मैरो, और एक होती है YBM यानी कि येलो बोन मैरो। तो एक लाल अस्थि मज्जा है और एक पीली अस्थि मज्जा है। यहां जो लाल अस्थि मज्जा होती है यहां पर क्या बनता है, यहां पर दोस्तों बनता है रेड ब्लड कार्पसल्स, और यहां जो येलो बोन मैरो है यहां क्या बनता है, यहां बनता है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। तो दो अस्थि मज्जाएं होती हैं, रेड बोन मैरो और वाई यानी कि येलो बोन मैरो, ठीक है ना। तो एक में क्या बनता है, लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं, और एक में बनता है श्वेत रक्त कणिकाएं। दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। और ध्यान देना, यहां जो अस्थि मज्जाएं होती हैं, हम कह सकते हैं कि इन अस्थि मज्जाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, इन अस्थि मज्जाओं में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको हम नाम देते हैं हिमेटोपोएटिक सेल। इनमें क्या होती है, इनमें हिमेटोपोएटिक सेल होती हैं, हिमेटोपोएटिक कोशिकाएं होती हैं इन अस्थि मज्जाओं में, हिमेटोपोएटिक कोशिकाएं रक्त का निर्माण करती हैं, रक्त का निर्माण करती हैं। तो बेसिकली आप पॉइंट समझ चुके हैं कि रक्त का निर्माण कहां होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वाई बोन मैरो, येलो बोन मैरो है और रेड बोन मैरो है, इन दोनों के अंदर हिमेटोपोएटिक सेल होती है, और यही हिमेटोपोएटिक सेल क्या करती है, ब्लड का निर्माण करती है, रक्त का निर्माण करती है। और दोस्तों यहां पर आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहां पर दो पॉइंट्स, यहां पर दो पॉइंट्स ये हैं कि रक्त का निर्माण आखिर वयस्क में कहां होता है। अगर रक्त के निर्माण की ही हम बात कर रहे हैं तो वयस्कों में कहां होता है, तो हम यहां पर एक बात कह सकते हैं कि वयस्क के अंदर अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। कहां पर होता है, अस्थि मज्जा में। और अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि भ्रूणावस्था में, आखिर भ्रूण में रक्त कहां बनता है, भ्रूणावस्था में जब शिशु होता है भ्रूण में, तो उसमें रक्त का निर्माण दोस्तों कहां होता है, तो देखिए दो चीज आपको ध्यान देनी होगी, यकृत और प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा में जब भ्रूण होता है मां के गर्भाशय में, तो उस भ्रूण के अंदर यकृत और प्लीहा में रक्त के निर्माण की क्रिया संपन्न होती है, ये आपको संज्ञान में रखना होगा, ठीक। तो दोस्तों इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे कि रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, और इसकी मात्रा 5 से 6 लीटर होती है,
और जो उसकी मात्रा महिलाओं में है वो पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर कम होती है और पूरे बॉडी वेट का 7-8%। और अगर बात करें हम लोग रक्त के पीएच मान की 7.4 होता है, हल्का सा क्षारीय है। और अगर दोस्तों हम बात करें कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है तो हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। और रक्त का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? हेमेटोपोएटिक कोशिकाएं। अब एक पॉइंट यहां जो आपने नहीं समझा वो समझ लीजिए कि रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है। रक्त निर्माण की क्रिया, रक्त निर्माण की क्रिया अगर हम बात करें यहां पर रक्त निर्माण की क्रिया की, तो इस क्रिया को हम हिमैटोपोएसिस कहते हैं। हिमैटोपोएसिस कहते हैं। तो रक्त निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? हिमैटोपोएसिस कहलाती है। रक्त का निर्माण कहां पर होता है? आपकी अस्थि मज्जाओं में होता है, बोन मैरो में होता है। पीली बोन मैरो में श्वेत रुधिर कणिकाएं बनती हैं और लाल जो रेड बोन मैरो है यहां पर क्या बनता है? लाल रुधिर कणिकाएं का निर्माण होता है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है? हेमेटोपोएटिक कोशिकाएं होती हैं और यही हेमेटोपोएटिक कोशिकाएं रक्त का निर्माण करती हैं। और ध्यान रखिएगा आप लोग कि वयस्क में जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन जब भ्रूण एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होता है मां के गर्भाशय में, तो यहां जो ब्लड बनता है दोस्तों ये कहां बनता है? यकृत और प्लीहा में बनता है। तो इतने सारे पॉइंट्स, और ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। अब यहां से कुछ और बेसिक बातें करनी है हमें आपको, और बेसिक बातें दोस्तों ये है कि जो रक्तदान होता है उसमें आयु कितनी होती है या फिर कितना ब्लड हम डोनेट कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेकर के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए, अब यहां हम बात करेंगे रक्तदान की, जिसको हम कहते हैं रक्तदान महादान। रक्तदान क्लियर। तो अगर दोस्तों हम लोग रक्तदान की बात यहां पर करें तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग रक्तदान करते हैं तो उसकी आयु कितनी होती है, यह क्वेश्चन बन सकता है। या देखिए आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि एक यूनिट में रक्त की मात्रा कितनी होती है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आखिर एक यूनिट में कितना ब्लड होता है। तो हम लोग कहते हैं कि 350 ml होता है। वर्तमान समय में 350 ml का एक यूनिट होता है, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले इसकी जो मात्रा थी वो 450 ml के बराबर थी। अब देखिए दोस्तों, हम लोग ब्लड को क्या करते, जैसे हमको चोट लगती है, अगर हमें चोट लगती है तो अमूमन ये होता है कि चोट लगने के 4-5 मिनट के बाद हमारा ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हम लोग ब्लड बैंक में ब्लड को यूनिट में यानी पॉली बैग में रखते हैं तो वहां ब्लड क्यों नहीं जमता और किस तापमान पर कितने दिन तक रख सकते हैं। तो यहां पर हम यह कहते हैं, यहां पर पॉइंट हम क्या कह सकते हैं दोस्तों इसके बारे में, हम कह सकते हैं कि ब्लड बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ४२ से ४५ दिन तक रखते हैं। क्लियर, यानी कि रक्त को हम लोग क्या करते हैं, रक्त बैंक में रक्त को जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखते हैं दोस्तों 42 से 45 दिन तक। और ध्यान देना आप लोग, रक्त को जमने से रोकने के लिए के लिए रक्त में हम क्या मिलाते हैं, रक्त में क्या मिलाएंगे अगर ब्लड को जमने से रोकने देना है तो उसमें हम क्या मिलाते हैं दोस्तों। ध्यान देना,
जमने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईडी टीए मिलाते हैं। इसको हम कहते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। तो रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त बैंक में हम लोग जो ब्लड जो पॉली बैग होता है उस पॉली बैग में क्या मिलाते हैं, उसमें ईडीटीए मिलाते हैं या फिर डेक्सट्रोज मिलाते हैं। डेक्सट्रोज भी होता है तो या तो हम इसमें डेक्सट्रोज मिलाते हैं या फिर सोडियम साइट्रेट मिलाते हैं, या क्या मिलाते हैं, सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट के मिलाने से भी ब्लड क्लॉट नहीं करता है। तो अगर हम सोडियम साइट्रेट को मिलाएंगे तब भी ब्लड हमारा क्लॉट नहीं करेगा। तो इन सब को मिलाकर के ब्लड बैंक में हम ब्लड को रखते हैं। अब यहां पर पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि रक्तदान करने की जो उम्र होती वो कितनी होती और एक बार में कोई व्यक्ति कितना ब्लड डोनेट कर सकता है। जाहिर सी बात है, एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना है तो कितनी आयु की उम्र तक वो ब्लड को डोनेट कर सकता है और कितने दिन के अंतराल पर कर सकता है और कितना कर सकता है। दोस्तों देखिए, अब अगर हम बात करें यहां पर इस पॉइंट की, तो देखिए यहां पर तीन पॉइंट बनकर के सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, रक्तदान की आयु कितनी होती है और मात्रा कितनी होती है। आयु कितनी है, औसत आयु, और कितनी मात्रा में ब्लड डोनेट कर सकता है कोई, और अंतराल कितने दिन का हो सकता है। ये तीन चीजों के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं आयु की सबसे पहले, ठीक है ना, एज लिमिट कितनी होती है। अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का है, 21 से लेकर के 60 वर्ष, तो 21 से लेकर के 60 वर्ष तक का जो व्यक्ति है वो ब्लड डोनेट कर सकता है। और कुल रक्त का जितना उसकी बॉडी में ब्लड है, कुल रक्त का 10%, एक बार में क्या करेगा, जितना उसके बॉडी में ब्लड है पहली बार में पूरी बॉडी के ब्लड का केवल 10% वो डोनेट कर सकता है। और कितना अंतराल है, कितनी गैपिंग पर, मेडिकल साइंस अकॉर्डिंग, मेडिकल साइंस कहता है कि 14 दिनों में ब्लड क्या होता है, बन जाता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 14 दिन के अंतराल पर, यानी कम से कम दोस्तों हम कह सकते हैं कम से कम 14 दिन, अदरवाइज हम ये बोलते हैं कि 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तीन पॉइंट, और तीनों पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। ब्लड डोनेट करने की आयु कितनी होती, 21 से 60 वर्ष, यानी जो चुनाव लड़ने की आयु होती है, नौकरी पाने की आयु होती है, उसी आयु में दे सकते हैं आप ब्लड को। और मात्रा कितनी होती है, बॉडी के पूरे ब्लड का कितना परसेंट, ये 10% होता है, ठीक है ना। और दोस्तों जो अंतराल होता है कम से कम 14 दिनों का होता है, इससे ऊपर का अंतराल नहीं होता है, ठीक है ना। देखिए ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर हमको कुछ और समझना है, और समझना ये है दोस्तों कि ब्लड हमारा आखिर क्लॉट कैसे करता है। अगर हम लोग ब्लड क्लॉट की बात करें तो हमारा ब्लड कैसे क्लॉट करता है, कैसे जम जाता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग देर से जुड़े हुए हैं उनको बता दें दोस्तों, जो लोग देर से जुड़े हुए हैं, इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मानव रुधिर पढ़ रहे थे, इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। और ध्यान देना ब्लड का निर्माण कहां पर होता है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे दोस्तों बढ़ेंगे। यहां देखिए जो पॉइंट्स हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है रक्त जमाव, जिसको हम कहते हैं ब्लड कोगुलेशन। चलिए तो यहां हमको पढ़ना है ब्लड कोगुलेशन, कोगुलेशन जिसको हम कहते हैं रक्त जमाव, रक्त स्कंदन हमको पढ़ना है, रक्त जमाव हमको पढ़ना है कि आखिर ये प्रक्रिया क्या होती है, रक्त जमाव होता क्या है और कैसे हमारा ब्लड इतनी जल्दी जम जाता है, ठीक है ना। चलिए ब्लड कोगुलेशन, तो अगर हम लोग ब्लड कोगुलेशन की बात करें, रक्त जमाव की बात करें, तो दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड में कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है, ठीक है ना, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। जैसे कि क्या होता है, हमारे ब्लड में हमारा लीवर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है जिन्हें हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस प्रोथ्रॉम्बिन।
थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ये दो प्रोटीन कहां बनती है, हमारे यकृत के द्वारा निर्मित होती हैं। और जब इन दोनों प्रोटीन से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, तो इनके मिलने से क्या होता है, थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। थ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। वैसे ब्लड को क्लॉट करने के लिए कुल 14 कारक साथ में आते हैं तो ब्लड जमता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, जब ये तीनों मिलेंगे तो थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। और ध्यान देना, यहीं पर शुरू होता है काम एक और प्रोटीन का, जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन एक ऐसी प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉट कराने में प्रमुख भूमिका निभाती है। फाइब्रिनोजेन प्लस इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है थ्रोम्बिन। और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो दोनों मिलने के बाद एक और कारक बनता है जिसको हम कहते हैं फाइब्रिन। दोस्तों क्या बनता है इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के मिलने से बनता है फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन देखिए क्या करेगा, फाइब्रिन का मतलब क्या होता है, पतली सी जाली, समझिए कि पतली सी जाली है। और ये फाइब्रिन क्या करती है, आपके प्लेटलेट से, जो रुधिर प्लेटलेट होता है, ब्लड प्लेटलेट, ये उसी प्लेटलेट से मिल जाती है, ठीक है ना, फाइब्रिन। और ये तीनों मिलकर के प्लस विटामिन के ये तीनों मिलकर के यहां पर क्या करते हैं दोस्तों, ये तीनों मिलकर के यहां पर रक्त का थक्का बनाते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। तो इस प्रकार से ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और जब अंत में तीनों मिलते हैं तो जहां पर चोट लगती है वहां पर जाल बन जाता है रुधिर कोशिकाओं का। जब जाल बन जाता है तो जाल बनने के बाद जो ब्लड सेल होती है और जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो उस जाल से बाहर निकल नहीं पाता, इसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर? तो देखिए बहुत बेसिक बातें बताई मैंने आपको, आप सभी को आज की क्लास में। ध्यान रहे दोस्तों, टॉप रैंकर बैच सुपर टेट का अगर आपको ज्वाइन करना है तो दिए गए स्क्रॉलिंग नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, या अभी मैंने आपको शुरुआत में कुछ और नंबर बताए हैं उस पर आप फोन कर सकते हैं, या आप सीधे हमसे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, नंबर मैंने आपको बताया हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग आगे की क्लास में, जहां पर बताऊंगा मैं आप सभी को कि क्या होता है प्लाज्मा और क्या होता है रक्त कोशिकाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।